Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
मंदिर भी बंद हो जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण, भक्तों का एसोसिएशन सब बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस महत्वपूर्ण दिन में नरसिम्हा देव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी ऐसा समय ना आए कि भगवान के दर्शन से, भगवान की कथा से, भगवान के नाम उच्चारण से और भक्तों के संग से हम वंचित हो जाएं। तो जितने भी भक्त यहाँ पर जीव हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हुए नरसिम्हा कवच का उच्चारण करेंगे। ये नरसिम्हा देव भगवान का जो कवच है उस मंत्र में बहुत शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है और इसका पूरा पूरा लाभ तब प्राप्त होता है जब हम इसको पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। तो हम समस्त जीवों के लिए कल्याण का भगवान से अनुरोध करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए सब मिलकर नरसिम्हा कवच पढ़ेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन भर हमें अपनी भक्ति, अपने नाम, अपनी कथा, अपने दर्शन से जोड़े रखें और
हमारे इस भक्ति पथ में आने वाली समस्त रुकावटों को, समस्त संकटों को, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हमारे भक्ति जीवन में आते हैं उनको दूर करें। इसी विचार से सबसे पहले नरसिंहदेव भगवान के इस कवच का उच्चारण करेंगे। सब लोग अपने पेपर्स में देखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। ओम अथ श्री प्रह्लाद कृत श्री नरसिंहा कवचम वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसंपत्करं शैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाश्रितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजित बलद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास बालं मे रक्षतो ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्या स्तुति प्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिया सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदन सदा प्रह्लादमन्दितः स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्य स्तुति प्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मी मुखप्रिय सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्व इन्दुवदन सदा प्रह्लादमन्दितः नरसिंहां पातु मे कण्ठं स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्तशोभितभुजौ नरसिंहां पातु मे भुजौ करौ मे देव वरदो नरसिंहां पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षीविदारण नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभिः ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु धराभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रद पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रह पूर्वतः पातु महावीराग्रजोनितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे सर्वतो मुख नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषण विग्रह ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमंगलदायक संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युनिकेसरी इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान्यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन
सिद्धेयु कर्म सिद्धया देवासुर मनुष्येषु स्वं समेव जयं लभेत् एकसंध्यं त्रिसंध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमंगलमांगल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मंत्रस्य मंत्रसिद्धि प्रजायते अनेन मंत्रराज्येन कृत्वा भस्मामिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरे त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्रश प्राशयेद्यं नरं मन्त्र न सिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षि सम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन न सिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिज क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्ष्यन्तं गुरुणयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्व विघ्न विनाशक न श्रीमदे भगवान की सर्व विघ्न विनाशक न श्रीमदे भगवान की भक्त वत्सल श्रीमदे भगवान की भक्त श्रोमणि प्रहलाद महाराज के समवेत भक्त वृंद की शिला प्रपाद की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की परम पावन पुरुषोत्तम अधिक मास की परम पावन कार्तिक मास महा महा उत्सव की भीष्म पंचका महा उत्सव की गौरव प्रेमानंदे कार्तिक मास जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये वो महीना है जिसमें भगवान स्वतंत्र हैं लेकिन फिर भी बंधना स्वीकार करते हैं। देखने में तो भगवान को ऐसा दिखता है कि वो स्वतंत्र गतिशील हैं। भगवान स्वयं से कार्य करते हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये कैसे है जानते हो? जैसे
आपने कभी पतंग हवा में उड़ते हुए देखी होगी ना? पतंग जब उड़ती है तो दिखने वाले को केवल पतंग दिखती है ना? वो समझ, मतलब जिसको अगर डोरी का ज्ञान ना हो तो दिखने में ऐसा लगेगा कि पतंग स्वतंत्र है और स्वतंत्र गति से जब इधर आना चाहे तो उधर जाती है, जब उधर आना चाहे तो पतंग ऐसे उड़ रही होती है। किसी को वो जो डोरी है ना वो पतली सी वो दिखती नहीं है। इसी तरह से जब भक्त भक्त जो है वो उसकी साधना, उसकी उसके नाम उच्चारण, उसका जो परिश्रम है वो नहीं दिखता, भगवान के अवतार दिखते हैं। भगवान कभी नरसिंह, कभी कच्छप, कभी वराह, कभी वामन, कभी क्या बनकर आते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान स्वतंत्र हैं और जिस तरह से पतंग स्वतंत्र उड़ती दिख रही होती है और ऐसा लगता है भगवान स्वतंत्र हैं, अपनी अपने ही मर्जी से आते हैं। नहीं, भगवान अपनी मर्जी से नहीं आते। ये तो जिस तरह से पतंग को वो डोर खींच रही होती है ना, वो डोर जिधर जाती है उधर पतंग उड़ती है, उसी तरह से जिस भाव से भक्त बुलाता है ना उसी स्वरूप में भगवान को प्रकट होना पड़ता है। जब जब प्रहलाद ने पुकारा था तो भगवान का कोई पहले से ऐसा मेकअप किया हुआ नहीं था। जैसे हम लोग लीला करते हैं तो पहले से खंभा बनाते हैं, उसके पीछे नरसिंहदेव भगवान को रखते हैं और फिर हिरण्यकशिपु ना गदा मारता है और खंभा फाड़ के निकलता है। भगवान ने भगवान को पता नहीं था, मतलब भगवान का पहले ऐसा गेटअप बनाया हुआ नहीं था, लेकिन प्रहलाद ने पुकारा कि आपको आना पड़ेगा और भगवान ने वही स्वरूप धारण किया जिस स्वरूप की ब्रह्मा जी ने पहले से ही हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया था कि आप न दिन में मरोगे न रात में मरोगे, न ही मनुष्य से मरोगे, ना ही पशु से मरोगे, न अस्त्र से न शस्त्र से मरोगे। तो ऐसा ही स्वरूप, दिखने में भगवान स्वतंत्र है बस, लेकिन वो स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इमो द्विज, मैं तो भक्त के पराधीन हूं। और भक्त की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? ये शक्ति जिसके द्वारा वो इस स्वतंत्र गति से वचिंत हुए भगवान को भी अपने अपने वशीभूत कर देता है, वो भक्त की शक्ति क्या है? भक्त के पास बस एक ही शक्ति है, वो है हरि नाम। भक्त की भक्ति जो है वो हरि नाम से पता चलती है कितना आपका हरि नाम के प्रति आकर्षण है। इस संसार में सबसे दयालु यदि कोई है ना तो वो कौन है जानते हो? सबसे बड़ा दयालु भगवान है, है ना? इसीलिए हम बोलते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु, भगवान करुणा के सागर हैं। लेकिन अगर यदि कोई पूछे भगवान से ज्यादा दयालु कौन है, तो भगवान से ज्यादा दयालु है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान जब आते हैं कुछ समय के लिए, भगवान श्री राम आए त्रेता युग में, भगवान श्री कृष्ण आए द्वापर युग में, 125 साल तक अपनी लीलाओं को वितरण किया, कितने लोगों को तार सके। स्वयं भगवान जब धरती पे आते हैं तो कितने लोगों का उद्धार करते हैं। और भगवान का जो नाम है वो भगवान के आने से पहले भी जीवों का उद्धार करा, जब भगवान संसार में आए तब भी उद्धार किया, और भगवान के जाने के बाद कितने साल हो गए भगवान को गए हुए? 5000 वर्ष। और अभी तक भगवान के नाम जो है उनका हम उच्चारण करते हैं तो कितने सारे भक्त जो हैं वो तर रहे हैं। जब भगवान यहां संसार में थे श्री राम, भगवान तो चलते रहते थे ना, भगवान को तो वनवास में जाने का आज्ञा मिली थी पिताजी के द्वारा, तो चलते चलते कितने पत्थरों पर पैर रखा होगा, है ना? वन में तो पत्थर नहीं है, जगह जगह पर पत्थर होंगे ना, लेकिन कितने पत्थरों पर पैर रखा और कितने पत्थरों का उद्धार किया? एक ही, है ना? अहल्या नामी जो पत्थर था उसके ऊपर जब पैर रखा तब उसका उद्धार हो गया, बाकी पत्थर पत्थर ही रहे, उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन ये जो हरि नाम है,
उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जैसे पत्थर हृदय ना जाने कितने तर जाते हैं, है ना। हमारा हृदय में भी तो पत्थर ही है, लेकिन हर हृदय, उस हर हृदय को पिघलाने का यदि कोई कार्य करता है तो कौन है? चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त का जो जो मलिन, जो जो हमारा हृदय जो इतना अपवित्र है, इतना अशांत है, उसको पवित्र करने का कार्य यदि कोई करता है तो वो हरि नाम करता है। भगवान श्री राम जब इस संसार में थे तो उन्होंने क्या किया, सीता स्वयंवर में एक शिव जी का धनुष तोड़ दिया, है ना। शिव जी का एक धनुष तोड़ा, और ये धनुष किस बात का प्रतीक है जानते हो? ये अहंकार का प्रतीक है। और भगवान का जो ये नाम है, वो जब जब हृदय में भगवान के नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, तो महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचयना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनी। हृदय के अंदर जो अहंकार है वो इतना नष्ट हो जाता है कि जीव राह में गिरे हुए तिनके से भी स्वयं को तुच्छ समझने लगता है, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो जाता, अपने लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करता और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करता है। ऐसा हरिनाम प्रत्येक हृदय के अहंकार रूपी धनुष को तोड़ता है। तो हरिनाम जो है वो हरि से भी अधिक, वैसे तो शास्त्र ने क्या कहा, अभिन्नत्व नाम नामिनो। कुछ लोग पूछते हैं आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो, जरा बताओ तो क्या मतलब है उसका, है ना। हरे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, मतलब क्या है इसका? अब देखो, हर मंत्र का एक मतलब होता है, और मतलब कैसे लेते हैं, जो जो वर्ड्स होते हैं ना उनके मीनिंग्स को लेके, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम मतलब भगवान का एक निराकार जो प्रत्येक कण कण में है, नमो मतलब मैं नमन करता हूँ, भगवते मतलब उस भगवान को, वासुदेवाया मतलब जिनका नाम वासुदेव है, है ना। इस तरह से जैसे हम बोलते हैं हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण आप करुणा के सागर हो, दीन बंधु जगतपति आप जगत के दीनों के मित्र हो और जगत के स्वामी हो, और गोपेश गोपिका कांता आप गोपियों के प्राण धन हो, राधा कांता नमस्तुते राधा रानी के संगी हो, उनको उनके प्रिय हो, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऐसे होता है ना मीनिंग के साथ। अब देखो हरे कृष्ण महामंत्र क्या आता है, आठ बार हरे आएगा, चार बार कृष्ण आएगा, चार बार राम आएगा, मीनिंग कैसे निकालेंगे, है ना। कोई वर्ड्स का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा ना, हरे का मतलब क्या होता है, हरे का मतलब अगर मान लेते हैं जैसे शास्त्रों में बताया गया कि ये जो हरि की आलादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उसको बोल दिया हरे, तो आठ बार राधे 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 हो गया, ठीक है। कृष्ण का मतलब क्या है, कृष्ण का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव आकर्षित करने वाला, ठीक है। राम का मतलब क्या है, आनंद, तो मीनिंग कैसे बनेगा, है ना। राधा कृष्ण मतलब राधा आनंद देने वाला, राम मतलब कृष्ण मतलब प्रोटेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है आप जानते हो, ऐसा बताया जाता है बहुत ही सुंदर, मतलब जैसा जैसा आपका भाव है ना वैसा वैसा प्रकट होने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत्वान नाम नामिनो। नाम चिंतामणि, चिंतामणि का मतलब क्या है, चिंतामणि का मतलब होता है जो भी आपकी चिंता है उसको समाप्त करने वाला। आपको महामंत्र बोलने के बाद मीनिंग सोचने की जरूरत नहीं है, आपके हृदय में रहता है कृष्ण, और जब नाम सुनता ना उसको पता चल जाता है प्रॉब्लम क्या है, उसलिए मीनिंग की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भाव से आप भगवान
नाम उच्चारण करोगे ना वैसा भाव वैसा ही फल मिलेगा जैसा जैसे अभिन्नत्व नामिनो मतलब भगवान ने क्या कहा ये यथा माम प्रपद्यते तम तथैव भजाम्यम तुम जिस भाव से आओगे मैं वैसे आपको फल दूंगा उसी तरह से यही जो श्लोक है वो नाम के लिए है ये यथा नाम प्रपद्यन्ते तस् तथैव भजाम्यम जिस भाव से नाम को बुलाओगे वैसा ही नाम प्रकट होके आएगा आपकी यदि कोई भौतिक इच्छा है यदि किसी के मन में ये है कि मेरा शरीर रोगी है भगवान के पास आके बोले कि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे भगवान को पता है कि अब इसका रोग दूर करना है और कोई मंत्र उच्चारण करने की जरूरत नहीं इसका मतलब है महामंत्र ठीक है अगर किसी के आर्थिक प्रॉब्लम है धन की कमी है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो भगवान के सामने जाने की कुछ बोलने की जरूरत नहीं क्या करना है हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 तो भगवान आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं किसी की संतान नहीं किसी को घर नहीं किसी को गाड़ी नहीं किसी को बंगलो किसी को क्या प्रॉब्लम किसी को क्या प्रॉब्लम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसवी चैतन्य है चैतन्य का मतलब जानते हो कौन बताएगा कृष्ण चैतन्य रस विग्रह What is the meaning of Chaitanya? Yes. Jagruk matlab? Jagruk ka kya matlab hai? English mein kya hoga? Jaisa aapka andar hai vasa. All knowing. Jisko sab kuch pata hai. Wo Chaitanya hai. Aur wo usi bhav se prakat hoga jis bhav se aapne pukara hai. To Bhagwan ke naam ki apar shakti hai. Aur agar Bhagwan ko prapt karna hai na तो डायरेक्ट से भगवान के पास जाना बेवकूफी है क्योंकि कलयुग केवल नाम ये नाम केवल कलयुग का आधार नहीं है आपको मैं बहुत सुंदर दृष्टांत क्योंकि यहां पर हम रामायण कथा करते हैं तो आज रामायण से हम हरि नाम की महिमा को सुनेंगे रामायण में क्या होता है दो पात्र हैं एक का नाम है जो मातंग ऋषि की शिष्या है उनका नाम है शबरी माता और दूसरी पात्र है जिनका नाम है शूर्पनखा वो दोनों भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करती हैं शूर्पनखा क्या करती है जानते हो शूर्पनखा भगवान को देखती है आकर्षित होती है भगवान तो आकर्षक है तो भगवान के पास आती है निवेदन करती है मुझ जैसी सुंदर स्त्री और कोई नहीं तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और कोई नहीं हमारी जोड़ी तो कितनी अच्छी बनेगी तो मैं आपको प्राप्त करना चाहती हूँ भगवान के पास डायरेक्ट से गई है कुछ गलत थोड़ी है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है भगवान के पास जाकर याचना करने की तो वो गई है मिला क्या उसको नाक और कान काट दिए गए और वहीं पर दूसरी साइड पर शबरी मैया भगवान को प्राप्त करना चाहती थी भगवान के पास नहीं गई हर वक्त कहती है राम 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 भगवान के पास जाना भी नहीं पड़ा वो भगवान खोजते खोजते आते हैं प्रत्येक जो ऋषि मुनि है वहां पर आपको पता है शबरी माता की कुटिया कहाँ पर है आपको पता है शबरी माता कहाँ रहती है आप जानते हो भगवान खोजते खोजते आ रहे हैं नाम को पुकारा भगवान जैसे मैंने बोला ना डोरी को खींचा पतंग आएगा उसी तरह से नाम को लोगे ना भगवान आएंगे भगवान खुद ब खुद चल के आएंगे और ये देखो कितना सुंदर दृष्टांत है कि यदि आप नाम को छोड़ दो डोरी निकल गई पतंग हाथ से छूट जाएगा ऐसा है ना किसी पता है पतंग उड़ाने की कला होती है डोरी जैसे ही कट गई मतलब पतंग गया आपके हाथ से उसी तरह से नाम का दामन छूटा है भगवान छूट जाएगा इसलिए नाम के दामन को कस के पकड़ना है फिर भगवान किधर नहीं जाएगा वो खोजता खोजता जाएगा कहां कौन पुकार रहा है कोई भी पुकारेगा ना पता है क्या हुआ रामायण की एक दूसरी घटना जटायु जब माता सीता को लंकेश रावण पकड़ के लेके जा रहे थे वो अपने विमान में लेके जा रहे थे सीता मैया पुकारने लगी हे राम हे लक्ष्मण किसी ने नहीं सुना जटायु ने सुन लिया जटायु वहां पर बैठे हुए थे बहुत वृद्ध थे
8000 वर्ष के थे और रावण इतना शक्तिशाली योद्धा, 10 सर हैं, 20 भुजाएं हैं और लेके जा रहा है उस जटायु के साथ। देख रहे हैं जटायु कि मेरे अंदर ना शक्ति है, ना बल है, ना सामर्थ है, ना ही मेरा कोई सारथी है, ना ही मेरा रथ है, ना ही मेरे पास अस्त्र है, ना ही मेरे पास शस्त्र है, ना ही मेरे पास 20 हाथ है, ना ही मेरे पास 10 सर है, फिर भी वो जा रहा है बचाने के लिए। युद्ध किया लेकिन बचा तो नहीं पाया, नाम की शक्ति पर तो गया तो सही, लेकिन क्या हुआ, रावण ने उसका पर काट दिया और वो गिर गए। श्री राम खोजते खोजते आ रहे, वो बोल रहे राम राम राम। श्री राम वहां पर पहुंच गए और पता है क्या बोला, बोला आप जानते थे कि आपका सामर्थ्य नहीं है इतना, आप जानते थे आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप वृद्ध हो गए हो, आप नहीं लड़ाई कर सकते थे, आपने इतना बड़ा जोखिम लिया क्यों, आप आपने ये यूं समझो आत्महत्या की है, मतलब क्यों, आप जानते थे कि रावण के साथ युद्ध करने की शक्ति साहस आपके पास नहीं है। रावण का तो बिल्कुल अलग है, उसके पास इतना बड़ा रथ था, इतने सारे शस्त्र थे, इतनी शक्ति थी, आपके पास था क्या, आप इतने वृद्ध हो, क्यों आपने ऐसा किया, आप क्यों गए, रावण से युद्ध नहीं करते, आपको क्या करना चाहिए था, आप तो उड़ सकते थे, तो आप उड़ के मेरे पास आ जाते, मुझे बता दे कि रावण सीता को लेके जाता है, मैं और लक्ष्मण जाकर रावण के साथ युद्ध करते, है ना, और आपने किया क्यों ऐसा। तभी जटायु ने कहा क्या, जटायु बोलते कि अगर मैं अपनी सेवा छोड़कर आपको ढूंढने निकलता तो भक्ति की नाक कट जाती। भक्त का एक ही कार्य है, नाम जपो, सेवा करो, बस। बाकी आपके अंदर योग्यता कितनी है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कार्य कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, योग्यता वही देगा जिसने आपको सेवा दी है, वो भगवान जिसने आपके लिए सेवा चुनी है क्या वो आपको योग्यता प्रदान नहीं कर सकता। तो भक्त क्या करता है, भक्त का कार्य केवल सेवा में लगे रहना है, योग्यता नाम और सेवा भक्त के बस दो कार्य होते हैं। तो वो कहते हैं जटायु कि यदि मैं अपनी सेवा छोड़कर आपके पास आ जाता तो बेशक मेरा प्राण तो बच जाता परंतु मेरी हार हो जाती, है ना, मेरी हार हो जाती, क्योंकि वरना तो संसार को लगता ना, देखो अपने अपनी सेवा के ऊपर इसको, भगवान के नाम के ऊपर इसको कोई, ये तो आपकी लीला थी, सीता मैया को भेजना था वो तो आपने भेजा, है ना, ये तो आपकी लीला थी, मुझे तो केवल अपना पार्ट अदा करना था, मेरा पार्ट था और उसको सिंसियरिटी, भगवान ने जो कुछ होना है ना पहले से लिख दिया। भगवान श्रीमद भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचि, जो कुछ होना है वो सब मैंने पहले से ही कर दिया, आपको तो केवल श्रेय लेना है बस। जिस तरह से कभी कोई मंदिर बनता है फिर सारे भक्त क्या करते हैं, मंदिर के लिए डोनेशन लेने के लिए निकलते हैं, आप डोनेशन दीजिए, आप ऐसा नहीं है कि आपके डोनेशन से मंदिर बनेगा, मंदिर तो भगवान का घर है, जो भगवान केवल सांस लेने के अनेक अनेक जो प्रकृतियां हैं, ब्रह्मांड यूनिवर्सेस केवल सांस लेने से प्रकट कर सकते हैं, वो अपने लिए छोटा सा घर नहीं बना सकते, बेशक बना सकते हैं, वो बस आपको श्रेय देना चाहते हैं कि ये कार्य आपके हाथों हो जाए, है ना। तो भगवान का कार्य भगवान ही करते हैं। जटायु कहने लगे मेरी सफलता इसी में है कि मैं सेवा करूं और आप मुझे खोजते खोजते आओ, मैं नहीं आया तुम्हारे पास, मैं तो यहां पर अपनी सेवा कर रहा था और आप ढूंढते ढूंढते आए। और वो सम्मान या वो सौभाग्य जो स्वयं साक्षात भगवान के पिता को भी प्राप्त ना हो सका, है ना। भगवान के पिताजी कौन है, दशरथ महाराज, उनकी मृत्यु हुई मगर श्री राम के द्वारा उनका अंतिम क्रिया कर्म नहीं हुआ, लेकिन
जटायु की मृत्यु, साक्षात जिस तरह से पिता का क्रिया कर्म किया जाता है ऐसे भगवान का, भगवान श्री राम ने स्वयं उनका क्रिया कर्म किया। तो भक्त जो है उसको कभी, ऐसा श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्त को कभी भगवान को खोजने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। जो भगवान ने उसके लिए सेवा सिलेक्ट की है उस सेवा को इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी सिंसियरिटी के साथ करनी है कि भगवान जो है वो विवश हो जाए उसके पास आने के लिए। और हम देखते हैं भगवान जो है वो जब जब किसी ने प्रेम से पुकारा है तब वो दौड़े चले आते हैं, है ना। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। मत समझना कि वो स्वतंत्र है, और नाम में तो इतनी शक्ति है। ऐसा भक्ति में, वैसे तो भगवान जो भगवान के आश्रय है, गीता में भगवान ने कह दिया क्या, ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का भरा हुआ एक समझो समुद्र है। और भगवान के भक्त क्या कहते हैं, दुख कहाँ है, जो नाम लेते हैं ना उनको तो याद ही नहीं रहता, भवत दर्शनम यत्सा अपुनर्भव दर्शनम, जो नाम लेते हैं उनको याद ही नहीं रहता। भाई टेंशन किसको बोला जाता है, टेंशन दुख प्रॉब्लम ये सब उसको पता ही नहीं है, क्योंकि हरि नाम के अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है कि भगवान को जब समुद्र को पार करना पड़ता है ना तो भगवान को क्या करना पड़ता है, सेतु बांधना पड़ता है, रामायण तो सब जानते हैं, पुल बनाना पड़ता है और पुल के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। ऐसा है, भगवान को समुद्र पार करने के लिए पुल बनाना पड़ता है, लेकिन जो हरिनाम का आश्रय लेता है उसके लिए जानते हो क्या, भागवत कहती है समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारी भावां बुद्धि वत्स पदम 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 यत् विपदां न तेषां। भगवान को सागर पार करने के लिए पुल बांधना पड़ता है, लेकिन जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसके लिए तो ये भाव सागर सूख जाता है, पुल बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो गौखुर में पड़े हुए जल की तरह उसको तो टपक के चला जाता है, वो उसको उसको ये नाम रूपी सूर्य जो है उसका इतना तेज है, इतना प्रकाश है कि भव सागर तो मानो सूख जाता है उसको। तो प्रभु राम की जो भक्ति है, ये जो रामायण जो है वो पूरी लीला एक ही श्लोक में पूरी रामायण को बताया। पहले क्या होता है, आदो राम तपोवन आदिगमनम हृत्वा मृगम कांचनम वैदेवी हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली नरगहतम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद् ही रामायणम। पूरे एक श्लोक में पूरा रामायण। पहले क्या किया, आदो राम तपोवन गमनम, पहले तो राम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको जरूरत क्या है वन में जाने की, एक तो भगवान त्रिलोकी के नाथ, वो इस पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं है उनको, है ना, वो तो वहां पर बैठे ही अपने सारे जो भी कार्य वो कर सकते हैं, ये पृथ्वी क्या भगवान के रहने के लायक है, ये पृथ्वी भगवान के रहने की लायक ही नहीं है, फिर भी भगवान आते हैं, आए चलो ठीक है राजमहल में राज्य करें, भगवान है राजमहल में नहीं बैठे का, आदो राम तपोवन गमनम हो जाते हैं वनवास में, वनवास में भटक रहे, फिर क्या करते हैं उससे भी आगे, हृत्वा मृगम कांचनम, जो हिरन है माया मृग के पीछे भागते हैं, क्या जरूरत है, क्या उनको पता नहीं है क्या कि ये हिरन क्या है, लेकिन फिर भी उसके पीछे जाते हैं, उससे बड़ा दुख वैदेही हरणम पत्नी का दुख, पत्नी को राक्षस लेके जाता है, क्यों कर रहे हैं, फिर जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम, फिर सुग्रीव के साथ दोस्ती करते हैं, भाई तुम मेरे साथ दोस्ती करो ताकि तुम मेरी पत्नी को छुड़ाने में मेरी सहायता करना, जरूरत है क्या, एक सुदर्शन चक्र चलाएंगे
तो क्या वो रावण की सेना पूरी खत्म नहीं हो जाएगी? लेकिन सुग्रीव संभाषण फिर क्या करते हैं, वाली निर्ग्रहण। सुग्रीव बोलता है पहले मेरे भाई को मारो, मेरे पहले मेरा राज्य मिलेगा, फिर तुम्हारी पत्नी को लेके मैं। उसकी बात मानने के लिए शुक के वाली को मारना पड़ा। उसके बाद अभी क्या है, वो आ गई सेना, चलो ठीक है आ गए। फिर समुद्र तरणम, समुद्र को कैसे पार करेंगे? सबको बोला नल नील को, भाई आप ऐसा करो ये सेतु बनाओगे तो जाएंगे, ऐसे कैसे जाएंगे? पहले तो प्रार्थना की, हे समुद्र दे रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, नहीं दी। फिर उपाय बताया तो हम लंका गए, लंका पूरी दहनम, पहले पूरी लंका को रहा, उसके बाद पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, रावण को मारना पड़ा, कुंभकर्ण को मारना पड़ा, मेघनाथ को मारना पड़ा। इतनी सारी लीला करी क्यों, क्यों करी जानते हो? वैसे तो भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए, लेकिन अगर राम अवतार को देखा जाए तो केवल करुणा ही करुणा है। हर हर पन्ने पर, जब हम छोटे थे ना, हमारी मैया रामायण पढ़ती थी ना, तो इतना रोती थी, इतना रोती थी, और हमको तो इतना, मतलब ऐसे इमोशंस तो छोटे बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन हम पूछते थे मैया आपको क्या हुआ, तो हमें तो ऐसे अटकाने के, आप बहुत तंग करते हो ना इसलिए रोते हैं, ऐसे बोल रही थी। लेकिन जब बड़े होके रामायण पढ़ी तो हर पन्ने पर अश्रु ना निकले ना तो समझो वो पत्थर है। राम अवतार में भगवान ने जो जो कार्य किए हैं, इस जीव के भगवान ने भगवान बनकर दिखाया है, नहीं जिस तरह से हम इस संसार में प्रत्येक परम परम यद विपत्ता, हर एक कदम पर दुख को भोग रहे होते हैं, वो उसी तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि जीव के साथ भगवान भी प्रत्येक कदम पर दुख का अनुभव करता है। इस दुखद परिस्थिति में भगवान, जब भगवान ये दिखाते हैं कि देखो, जब एक व्यक्ति के जीवन में कोई दुख होता है ना, दूसरा व्यक्ति भी यदि ऐसे ही दुख के साथ ग्रस्त होता है, जैसे अगर किसी को कोई बड़ा रोग होता है ना, तो फिर अगर वही रोग दूसरे को होता है ना, तो आपस में बांटते हैं, यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरा भी यही हाल है, मैं भी सुबह को ये होता है प्रॉब्लम, मैं बैठ नहीं सकता, तो आपस में क्या करते हैं, वो मित्रता हो जाती है। तो भगवान भी दुखी होकर दिखाते हैं कि देखो मैं भी दुखी हूँ, मतलब फिर भगवान जानते हैं कि अगर मैं केवल उपदेश देता रहूंगा, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशते सत्यम ते प्रति, आप मेरा मन में मेरा नाम जप करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, केवल उपदेश से कुछ नहीं होगा, संबंध तो तब निर्माण होगा जब मैं उनके स्तर पे आऊंगा। तो भगवान जब जब अपनी लीलाओं में दुखी होते हैं, तो ये क्यों क्यों किया भगवान ने, हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति स्नेह भाव है वो प्रकट करने के लिए। भगवान के प्रति, भगवान ने पूरी लीला में कितना दुख में प्रवेश किए हैं, भगवान ये सब लीला इसलिए दिखाते हैं कि देखो मैं भी यहाँ आता हूँ, दुखी होता हूँ, तो मेरे आप मैं यहाँ पर आके सुखी होने का प्रयास मत कीजिए, मेरे नाम का शरण लीजिए तो ये आप आनंदित हो सकते हो। तो भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, काम क्या करना है, उसके उद्देश्य क्या है, आपके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो भगवान को तो कितना कुछ करना पड़ा, है ना, वन में जाओ, पत्नी को खोजो, रावण के साथ लड़ाई करो बाहर, लेकिन नाम को कुछ नहीं करना। नाम क्या करता है, नाम को कोई लीला नहीं करनी है, नाम को केवल बस एक जगह पर बैठ के उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो काम जो भगवान को करने के लिए भी इतना मेहनत करनी पड़ती है, नाम घर बैठे कर देता है। और बताए क्या, हम कितने भी पाप कर लें, कितने भी पापों का इतना बड़ा समुद्र भी यदि हो, लेकिन केवल एक हरि नाम से वो समुद्र जो है वो सूख जाएगा। ऐसा बताया जाता है रामायण के पात्रों में एक बहुत ही सुंदर पात्र है जिनका नाम है जनक महाराज। एक बार जब श्री राम की लीला समाप्त हो गई, वो अपने साकेत धाम में चले गए, और फिर सब उनके जो अयोध्या वासी थे वो भी जा रहे थे, जनक महाराज भी जा रहे थे, जनक महाराज भी भगवान के धाम में। साकेत धाम कहाँ है बताओ आप लोगों को, आ जाओ दिखा, यहाँ पर ये पृथ्वी है,
पृथ्वी के ऊपर क्या है, भूलोक, भूवलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक। सत्यलोक के बाद वैकुंठ है, वैकुंठ के बाद साकेत धाम है। साकेत धाम जाएंगे, जाहिर सी बात है राम 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 ही पुकारते थे। उनकी पुत्री सिया, सीता मैया, उनका विवाह श्री राम से हुआ था और वो जानते थे कि राम तो साक्षात भगवान है। तो उठते बैठते जाते सोते उनके मन में राम का नाम ही होता था, नाम नाम उच्चारते उच्चारते जा रहे थे। अब क्या, जब जा रहे थे तो उनके मन में आया कि डायरेक्ट से साकेत में जाने का क्या है, मैं नरक लोक से मतलब मैं सारे लोगों को भ्रमण करके जाता हूँ। तो इधर से जा रहे थे, रास्ते में नरक लोक आ गया। तो नरक लोक क्या है, जैसे सपोज जैसे ये ना ओपन एरिया ना, तो इधर से जा रहे थे तो नरक में तो सबको तकलीफ हो रही होती थी, सब लोग है ना दुखी थे। इधर से जब जा रहे थे उनके शरीर से स्पर्श करके जो हवा अंदर आई, जैसे ही हवा अंदर आई है तो जितने भी नरक के प्राणी हैं सब अलग अलग सजाएं यातनाएं भुगत रहे हैं। कोई कुंभी पाक नरक में फ्राई हो रहा है, तो कोई तप्त सुरमी नरक में आलिंगन कर रहा है, तो कोई रौरव नरक में नोचा जा रहा है, तो कोई कोई आईपान नरक में किसी को सीसा पिघला के डाला जा रहा है, कोई क्रिमी भोजन नरक में तड़प रहा है। तो अलग अलग नरकों में सब लोग यातनाएं भुगत रहे हैं। इधर से जनक महाराज जा रहे हैं, सब रिलैक्स, आनंद आ गया। ऐसा लगा कि इतनी इतनी सुंदर वायु कहां से आ रही है जो नरक की यातना भी दुखी नहीं कर रही है। तो जनक महाराज तो ऊपर जा रहे थे, जैसे ही ऊपर गए वो नरक वाला जो जो प्लैनेट है उसको क्रॉस किया, सब वापस से तड़पने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे, जनक महाराज, जनक महाराज रुक जाइए, मत जाइए। जनक महाराज, यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार है क्या, कौन पुकार रहा है, मतलब कौन बुला रहा है, मुझे तो याद नहीं कि यहाँ कोई मेरा संबंधी, कोई मित्र, किसी के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। फिर भी देखते हैं नीचे आकर के क्या है। वापस नीचे आए तो उनको लगा नरक में एकदम अंधकार होता है, रोशनी वोशनी नहीं होती है, पूरी जो यातनाएं मिल रही होती है ना केवल अंधकार में मिल रही होती है, जल्लाद दिख रहे होते हैं, कुछ ऐसा प्रकाश नहीं होता है, तो दिखा नहीं। फिर वापस से थोड़ा सा जैसे वो नीचे आए तो सबको सुख का आनंद, आनंद का अनुभव। फिर क्या करते हैं जनक महाराज, दिखता तो कुछ नहीं है, वापिस ऊपर जाते हैं कि शायद मैंने बाय मिस्टेक सुना होगा, अपना नाम सुन लिया होगा। तो ऊपर जाते हैं, फिर सब चिल्लाने लगे, जनक महाराज रुक जाइए, कृपा कीजिए, मत जाइए, आप रुकिए, आप इधर आइए, आप चले जाओगे तो हम पुनः इन यातनाओं को हमें बर्दाश्त करना। जनक महाराज ने बोला डेफिनेटली कुछ है, देखना पड़ेगा, मुझे वापस वापस जो सुनाई दे रहा है। तो जाते हैं और अंदर आते हैं, नरक में आते हैं तो देखते हैं, अरे बाप, इतनी तकलीफ, सोच भी नहीं सकते थे, किसी को काटा जा रहा है, किसी को पीसा जा रहा है, किसी को फ्राई किया जा रहा है, किसी को लटकाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को नोचा जा रहा है। बोले क्यों कर रहे हो इनके साथ ऐसा, यमदूतों को बोल रहे आप, ये क्या हो रहा है इनके साथ, इतना इतना ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है। यमराज जी बोलते हैं, जनक महाराज आपको नहीं पता इन्होंने क्या क्या किया जानते हो, ये जो फ्राई कर रहे हैं ना, ये वहां पर जीवों को फ्राई करके खाते थे, तो इनके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। ये जो नोचे जा रहे हैं वहां पर नोचते थे, तो ऐसा ही, तो जिन जिन्होंने जैसा जैसा किया वैसा वैसा नरक उनको भुगतना पड़ेगा नरक। तो जनक महाराज बोलते हैं कि बोला इन लोगों को कभी भी आप ना थोड़ी देर के लिए भी यातनाओं से मुक्त नहीं करते। बोला नहीं, जितनी देर नरक में रहेंगे उतनी देर यातना भोगेंगे, लेकिन जैसे ही तो उन्होंने सब जो नरक के प्राणी है ना, बोला हम लोगों ने कभी शांति का अनुभव नहीं किया इससे पहले, आज आपके आने से हमें शांति मिली है। आप यहाँ पर प्रकट हुए हो ना, आपने ऐसा क्या किया है, ऐसा आपने अपने जीवन में क्या किया जिसके कारण आपके सानिध्य से हमें सुख मिल रहा है, आप बताइए ऐसा क्या किया। तो जनक महाराज ने कहा कुछ किया नहीं, बस हर समय एक नाम उच्चारण किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम। इस नाम के उच्चारण में इतना प्रभाव है कि जीव स्वयं तो आनंदित होता है जो उसके साथ मिल जाता है, जिसको उसका सानिध्य प्राप्त हो जाता है वो भी सुखी हो जाता है, बल्ली वो नरक में क्यों ना रहता। तो जनक महाराज ने कहा कि यमराज से पूछा, क्या कोई उपाय ऐसा नहीं है कि मैं इन सबको इन यातनाओं के लिए यातनाओं से सदा के लिए मुक्त कर दूं? तो यमदूत यमराज कहने लगे, यदि आप अपने एक हरि नाम का एक नाम का फल इन्हें प्रदान कर दोगे ना तो इनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सोच सकते हैं, नाम नो ही आवती शक्ति पाप नरहरणे हरि तावत कर्तुम न शक्तोपि पातकम पातकी नरः। हरि का एक नाम भी जीव के इतने अपराधों को नष्ट कर सकता है जितने अपराध वो कर भी नहीं सकता। फिर क्या हुआ? तो जनक महाराज ने बोला, प्रत्येक जीव जितने भी नरक में हैं, उन सबको मैं एक एक नाम दे रहा हूं, अपना जितना जितना नाम उच्चारण किया सबको एक। जैसे ही ऐसे बोला, सब लोग वहां से मुक्त होके जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं, सब भगवान के धाम, पाप खत्म हो गए, अब भगवान के धाम जाओ, एक हरि नाम आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए काफी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो लेके जाते हैं, तब भी यमदूत परेशान, हम पिटाई किसकी करेंगे, मतलब हमारा तो धंधा चौपट होएगा ना, मतलब हम क्या करेंगे। तो यमदूत और यमराज आपस में डिस्कस कर रहे, ये जनक महाराज आके सबको देखो हमारा पूरा खाली कर दिया, सुनसान कर दिया, अभी हम क्या करेंगे। तब यमदूत बोलते, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, दूसरी टीम दूसरा सेकंड बैच तो अभी आने वाला होगा ना, तो आपका कभी भी नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जीव जो है उनके लिए वो इतना अपराध करता है। वैसे तो ऐसा हरिनाम के लिए कहा जाता है कि जितने भी संसार में जीव है, आज नहीं करोड़ों करोड़ों जन्मों से, जब से प्रकृति है तब से जीव ने जितने भी अपराध किए हैं ना, उन सारे अपराधों को, सारे जीवों के सारे जन्मों के सारे अपराधों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए और सारे अपराधों का एक पहाड़ बना दिया जाए, जितने भी जीव हैं उन सारे अपराधों को एक साथ इकट्ठा करके एक अपराध बना दिया जाए, एक पहाड़ जो है वो पहाड़ जो है वो हरिनाम, हरिनाम का एक समुद्र है, ठीक है, उस हरिनाम के समुद्र के सामने एक छोटी सी चिंगारी की तरह है, इतना है कि हरिनाम एक समुद्र है और वो समस्त जीवों के समस्त जन्मों के समस्त अपराधों का पहाड़। जब ये सोचे कि मैं हरिनाम के अंदर जाऊं या हरिनाम को स्वीकार करूं तो मैं उस हरिनाम रूपी समुद्र को सुखा दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला, बल्कि वो चिंगारी उसी समय सूख जाएगी। ये है हरिनाम का प्रभाव। तो हरिनाम के अंदर इतना रस है कि, और दूसरी सबसे बड़ी जो सुंदर बात है, इसके अंदर शक्ति तो सारी भगवान की, जितना जैसे हमने पढ़ा कि हरे के अंदर भी उतनी शक्ति नहीं है जितनी के हरिनाम में है, लेकिन हरिनाम जो है भगवान की सेवा के लिए आपको देश देखना होगा, पात्र देखना होगा, अपनी सिचुएशन देखनी होगी, पवित्रता। आप ऐसे बगैर स्नान करे आते भी नहीं कर सकते हो, है ना, बगैर आचमन किए तो आप भगवान को कोई वस्तु भी अर्पण नहीं कर सकते हो। और हरिनाम के लिए नियमित स्मरणे न कालः, अब खाते खाते ऐसा बताया जाता है कि भगवान के नाम को जप करने के लिए कोई भी नियम नहीं है। नियमित स्मरणे न कालः, आप जैसे चाहो जब चाहो जिस तरह से चाहो भगवान का नाम ले सकते हो, सुबह को चाहो रात को चाहो दिन को चाहो दोपहर को चाहो, जिस तरह जिस समय आप चाहो उस समय आप भगवान का नाम ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। खाईते सुनीते चलते फिरते यथा तथा नाम ले। चैतन्य चरितामृत में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं,
उठते बैठते खाते सुनते जो भी करो आप, भले खाते खाते आप भगवान की सेवा कर सकते हो, झूठा मुंह यदि होएगा ना तो आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते हो। आपको पहले पहले आज स्नान करना पड़ेगा। स्नान भी हमारा स्नान और वैदिक शास्त्रों का स्नान ही अलग है। हम जो आजकल स्नान करते हैं ना वैसा स्नान थोड़ी होता है, वो तो हम जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, शावर ऑन किया, खड़े हुए पास और स्नान हो गया। नहीं, ऐसा बताया जाता है स्नान का मतलब होता है तन के साथ, तन की शुचि मन की शुचि। तन पवित्र होना चाहिए, मन हमारा, ये जो तन जो है वो तो इस स्नान से पवित्र हो जाएगा, लेकिन उससे हम स्वच्छ नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि नाम के स्नान जो है वो नाम के साथ किया जाता है। जिस तरह से हमको याद होगा शायद बचपन में हम देखते थे हमारे दादा दादी नाना नानी जब पढ़ते थे, जब स्नान करते थे बोलते थे हरे कृष्णा हरे राम हरि ओम हरे राम, इस तरह से बोलते बोलते स्नान करते थे। जब तक नाम उच्चारण नहीं होता ना तब तक स्नान भी कंप्लीट नहीं होता है। जितनी देर स्नान किया जाता है उतनी देर नाम भी उच्चारण होना होता है। इसी तरह से मन की शुद्धि होती है। राधा गोविंद गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो स्नान है ना वो तो स्नान हुआ ही नहीं समझो, जब तक नाम उच्चारण नहीं होता ना तब तक स्नान नहीं होता, लेकिन फिर भी स्नान करके जाना पड़ता है भगवान। लेकिन नाम कैसे होता, अब खाते खाते ऐसे बोलते हैं प्रेम डाको चैतन्य निताय जय निमा जय निताय, खाते जाओ साथ में और नाम लेते जाओ। खाते वक्त भी नाम ले सकते हैं, किधर भी बैठे हो आपने, भले आप भले किसी भी अपवित्र स्थान में हो, अपवित्र सिचुएशन में हो, आप नाम ले सकते हो। जहां पर देखो, जहां पर मीट है, मटन है, चिकन है, वहां पर आप भगवान की सेवा कर सकते हो। भगवान को रखोगे आप मंदिर वहां पर बनाओगे, आप बोलोगे स्वच्छ स्थान। आप जो सामने मीट बेच रहा है उसके सामने भी बोलोगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम। शीला प्रभुपाद जी तो बेड़ों के संसार में जाकर नाम जपे, अरे सारे चाहत तो पता है कहाँ गए थे, अमेरिका में जहां पर शीला प्रभुपाद जी प्रचार करने गए, सारे सारे जितने थे ना वो सब हिप्पी लोग थे। वो खाते थे पता नहीं कुछ, उनको पता ही नहीं होता था क्या खाते थे, सब कुछ खाते थे, कोई भी चीज नहीं छोड़ते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, इंजेक्शन लगाते थे और सड़कों के ऊपर नंगे होते थे। उनका कोई भी नियम ऐसा नहीं था, उनका एक ही नियम था। क्या नियम था? सारे नियमों को तोड़ना, जितने भी नियम आप जानते हो, वाइन विमेन गैम्बलिंग मीट ईटिंग, सारे नियमों को तोड़ना उनका एक नियम था। उनके सेंटर में जाकर शिला प्रभुपाद जी कहे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे लोगों के बीच में विग्रह सेवा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, लेकिन हरि नाम वहां पर जाकर उनका भी कल्याण करता है। तो प्रत्येक यदि हमें भगवान की कृपा का अनुभव करना है तो बस एक ही तरीका है कि हम नाम के साथ जुड़े, भले हमारा मन ना लगे। जब हम नाम उच्चारण करते हैं, बहुत सारे लोगों का यह अनुभव है कि नाम में मन नहीं लगता। ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, नाम में मन ना लगे, आपका नहीं लगेगा, उसका जरूर लगेगा जिसका आप नाम लेते हो। देखो आप जब आपस में बात करते हो, यहाँ पर कोई लोग फ्रेंड्स आपस में मिलके बात करें कोई नहीं सुन रहा होगा, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम आ जाता है उसके अंदर, फिर कान खड़ा हो, अरे मेरे बारे में बोल रही है ना, सुनना पड़ेगा क्या बोल रही है। तो यही जब आप बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो वो उसके कान खड़े हो जाते हैं, पता है मेरे बारे में बोल रहा है, बुला रहे हैं मुझे। भले आपका मन ना लगे तो भी आप कि भगवान का जिसका आप नाम ले रहे हो उसका मन लगता है। इसको कहते हैं महामंत्र, मतलब आपका जैसा भाव है। वैसे तो जितने भी आचार्यगण हैं उन्होंने महामंत्र का एक अलग अलग अर्थ अपने अनुसार बताया है, और उनमें से मुझे एक बहुत सुंदर अर्थ लगता है। जैसे आप सब जानते हो एपुर कशिश भगवान की आराधनी शक्ति, कृपया मुझे भगवान की सेवा में लीजिए, लेकिन उससे भी सुंदर मुझे लगता है
एक बुक थी मेरे पास छोटी थी, सब आचार्यों ने उसमें हरिनाम का अर्थ लिखा था और उसमें एक अर्थ था, हे पुरुकशिश भगवान की आलादनी शक्ति, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित कीजिए और मुझे इस योग्य बनाइए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके कृष्ण की अच्छी सेवा कर सकूं। तो इसी भाव से अगर हम नाम जपते हैं तो हृदय भी शांत रहता है। वैसे तो भगवान का नाम कुछ भी दे सकता है, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप जिस भी भाव से भगवान का नाम लोगे, अकाम, यदि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, सर्व काम होगा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश, अगर आप हर वस्तु को देखकर इच्छा होती है ये प्राप्त करनी है तो भी भगवान का नाम लीजिए। और मोक्ष काम, यदि भौतिक वस्तुएं नहीं इच्छा, केवल मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो भी तीव्रेण भक्ति योगेन। ये भक्ति का पथ कैसा है जानते हो? वैसे तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पथ हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, बहुत सारे हैं, लेकिन दूसरे जो पथ हैं वो और भक्ति के पथ में डिफरेंस क्या है जानते हो? रामानुजाचार्य बताते हैं कि जितने भी सारे पथ हैं, चाहे वो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, वो सब बंदर के बच्चे की तरह है। बंदर का बच्चा, आपने कभी देखा है बंदर जो होता है ना, वो जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक टपके जाता है ना, जंप करता है, वो अपने बच्चे को पकड़ता ही नहीं है। उसका बच्चा क्या करता है, ऐसे बंदर होता है ना, उसके नीचे उसको पकड़ता है। उसका बंदर का बच्चा जो है ना, वो स्वयं साधन करता है, एकदम टाइट पकड़ता है। बंदर नहीं पकड़ता, वो पकड़ता है कौन, बंदर का बच्चा, कि मुझे अपनी मैया को टाइट से पकड़ना है, और फिर वो छम करके चला जाता है। मतलब पूरी जो जो प्रयास है वो किसको करना है, बच्चे को करना है ना। बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा। उसी तरह से ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, पूरा प्रयास आपको करना पड़ेगा। भगवान जिम्मेवारी नहीं लेंगे, जहां पर अटक गए, जितना सा ध्यान लगाया विश्वामित्र ने, है ना, इतना बड़ा विश्वामित्र ने इतना ध्यान लगाया, पाया छनकी नहीं, मैंने कहा कि सारा ध्यान रफू चक्कर हो गया, है ना। तो ध्यान योग हो या कर्म योग हो, उसमें आपको अपनी साधना का बल देना पड़ता है। लेकिन भक्ति योग में क्या, वो भी बच्चे की तरह है। वो किसके बच्चे की तरह है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली बिल्ली क्या करती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो वो बच्चे को अपने माउथ में पकड़ती है ना? और पूरी जिम्मेवारी उसकी है कि बच्चा नहीं गिरना चाहिए, बच्चा नहीं कुचलना चाहिए। बिल्ली देखो, बिल्ली कैसी होती है, एक ही माउथ, माउथ तो एक ही है, उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। लेकिन जब चूहे को पकड़ती है उसको नोच के खा जाती है, और बच्चे को पकड़ती है तो सुरक्षित स्थान पर लेके जाती है। उसी तरह से भगवान की माया है, जो भगवान की भक्ति नहीं करती ना, उसको नोच लेती है, और भगवान की शरण में जो जाते हैं, भगवान कहते हैं मामे वये प्रपद्यन्ते माया ते दंतरन्ति ते, वो आसानी से उसको सरल बना देती है। इसलिए यदि हमें भव सागर को पार करना है, इसलिए यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है, जन्म जन्मांतर के अपराधों को नष्ट करना है, तो एक ही साधन है, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। अब समझे, कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है, इसलिए हरिनाम की डोरी को कस के पकड़ना है, और कृष्ण रूपी पतंग को कभी स्वतंत्र नहीं होने देना है, उसको अपने प्रेम की डोरी में, उस नाम की डोरी में बांधे रखना है। ये केवल एक महीना नहीं करना है, ये कार्तिक का महीना तो गुजर गया, हम सोचते हैं हम इस कार्तिक के महीने में नियम से उठेंगे, नाम जप करेंगे, ये जीवन ना जाने कब खत्म हो जाए, और एक कृष्ण ही तो हमारा है, सबको छोड़ के जाना है या सब छोड़ के जाएंगे, और ये कृष्ण तभी हमारे काबू में रहेगा जब हम हरि नाम की जोड़ी डोरी को जोर से थामे रहेंगे। प्रेम से कहिए
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 कलुराधार हरे कृष्ण महामंत्र की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की लाभ रूपाद की परम पावन कार्तिक मास महामहा उत्सव की भीष्म पंचक महा उत्सव की गौरव प्रेमानंदे कुछ क्षण के लिए जब तक प्रसाद ऑफर होता हम कृष्णाभिषेक प्रभु से कीर्तन सुने इसे लगा चार्ज नहीं हो चार्ज नहीं